क्या वाकई भारत में एशिया का सबसे सुंदर बीच है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं पोर्ट ब्लेयर से 1100 रुपए की एक क्रूज में बैठकर आ जाती हूँ स्वराज द्वीप, जिसे हैवलॉक आइलैंड भी बोला जाता है, जहाँ से मैं नारियल पानी का नशा करके आ धमकती हूँ राधानगर बीच पर। इस बीच की सुंदरता को बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ये वही बीच है जिसे 2004 में पूरे एशिया के सबसे सुंदर बीच का अवार्ड मिला था। और उससे भी अच्छी बात ये है कि जहाँ तक भी मेरी नजर जा रही थी, मुझे कूड़े का एक दाना भी दिखाई नहीं दे रहा था। दिखाई दे रहा था तो ये ढलता हुआ सूरज, जिसे देखकर मेरे मन में एक ही आता है कि भला प्रकृति से सुंदर भी कुछ हो सकता है। पर इस ढलते सूरज को देखकर मेरे मन में एक डर भी बैठता जा रहा था, क्योंकि मैं कल उगते हुए सूरज के साथ ही इस महासागर में 50 फीट गहरी छलांग लगाने वाली हूँ। अब बस बारी थी तो अपनी जान की जिम्मेदारी किसी और के हाथ में सौंपने की, तो मुझे समंदर के बीच में ले आते हैं इशारों की भाषा समझाने के लिए। पर मेरे मन में तो ये चल रहा था कि अगर शार्क आ गई तो मैं कौन सा इशारा करूंगी। खैर, मन में हिम्मत लेकर मैं तैयार हो जाती हूँ जल परी बनने के लिए। और ऐसे ही मेरी इस पूरी ट्रिप की तैयारी की है ई ट्रिप्टो ने, जिनको संपर्क करके आप भी अंडमान आ सकते हैं।